छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से भी बड़ी खबर यह है कि अबूझमाड़ में नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पर 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीआरजी और एसटीएफ की टीम जंगल में मौजूद है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। रेंज के आईजी ने कहा कि मुठभेड़ खत्म होते ही देंगे पूरी जानकारी क्या कुछ मसला था। एसपी प्रभात कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर है, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जब पूरा सर्च ऑपरेशन कराया जा चुकेगा, यानी कि जब पूरा मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगा, तो मुठभेड़ में क्या कुछ था उस सब की पूरी जानकारी दी जाएगी। मुठभेड़ खत्म होते ही पूरी जानकारी दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है रेंज के आईजी के द्वारा। बता दें कि 3 नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने, चारों तरफ से घेर रखा है जवानों ने। और उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ में 28 अप्रैल को आतंकियों को पहली बार विलेज डिफेंस से जुड़े मोहम्मद शरीफ ने देखा था और पुलिस के आने से पहले आतंकियों से खुद मोर्चा लिया। मोहम्मद शरीफ ने घंटों तक आतंकियों को इंगेज करके रखा, लेकिन आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। उन्हें 4 गोलियां मारी गईं। हालांकि इसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एरिया बहुत बड़ा है और सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन ड्रोन के जरिए और पुलिस फोर्स के जरिए तलाशी अभियान जारी है। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है, आपको खुद भी आइडिया लग रहा है। आप यहाँ पे हैं तो हमारे पास मल्टीपल वैलीज हैं जो सर्च करनी है, मल्टीपल री एंट्रेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नाले हैं, और इस वक्त क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारे ही नाले देयर इन स्पेट, सो वी हैव टू लुक एट मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। एंड कुछ हमारी जो इंटेल ग्रिड है वो हमने स्ट्रेंथन की है, सो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू होन इन ऑन टू देम वेरी सून। और बड़ी खबर ये आ रही है, सूत्रों के मुताबिक है ये बड़ी खबर, जहां पर उधमपुर के बसंतगढ़ में हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। इसमें डोडा के रहने वाले आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ अबू खुबैब का नाम सामने आ रहा है, जो लश्कर ए तैयबा का कमांडर है और फिलहाल पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। एक और आतंकी का नाम सामने आ रहा है जो रिहायशी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। नाम है उसका मोहम्मद कासिम गुर्जर, जो रिहायशी जिले का रहने वाला है और वो भी अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में शांत इलाकों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथकंडे लगातार अपना रहा है और यही कारण है कि कई सालों से शांत रहे राजौरी पूंछ में कई हमलों के बाद अब उनका रुख उधमपुर जिले जैसे शांत इलाकों में हो रहा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यहीं के नौजवान को बरगलाकर फुसलाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आज से शुरू हो गई है 5वीं बोर्ड की परीक्षा। जी हां, पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हो रहा है। प्रदेश भर में 14.77 यानी कि 14,77,000 छात्र ने पंजीकृत करवाया है। 8,713 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। जयपुर में 913 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आज से शुरू हो गई है 5वीं बोर्ड की परीक्षा, 817 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। और आज पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हो रहा है। और हरियाणा के नू से भी बड़ी खबर यह आ रही है कि जहां हरियाणा और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई के 2 बड़े शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू और रवि मोटा ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों गैंगस्टर के पैरों में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। खबर यह है कि दोनों शूटरों को अमेरिका से वर्चुअल नंबर के जरिए रोहित गुदारा ने बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम सौंपा था। इससे पहले रोहतक में विशाल उर्फ कालू ढाबे पर एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे चुका है, जिसमें एक मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसमें विशाल उर्फ कालू और रवि मोटा शामिल थे। अब इन दोनों को धर दबोचा है पुलिस ने।
बड़ी खबर ये भी है जहां जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर लगातार बरस रहा है। जी हां, बारिश से जगह जगह कोहराम मच चुका है। जम्मू कश्मीर में बारमूला की अगर बात करें तो बारमूला में जमीन खिसकने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बारामूला का ये जो तस्वीर है ये बारामूला की है जहां पर जमीन खिसकने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। सड़कों से पहाड़ तक कुदरत का कहर बरस रहा है। टूटे मकान और सड़कें, चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर नजर आ रहा है। जैसी आपको तस्वीरों में दिख रही है भयावह, उसी तरह वहां के लोग अब कुदरत का दर्द झेल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पूंछ के मंडी इलाके में भारी बारिश से 8 से 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जबकि कुपावड़ा में बारिश के बाद आई तबाही के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ पुलिस बाढ़ वाले इलाकों में बचाव अभियान चला रही है। वहीं बारामूला में पहाड़ दरकने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बीती रात लगातार वहां पर बारिश हो रही है। बारिश के बाद पहाड़ पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को भारी बारिश की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जहां पूंछ में आप देख सकते हैं कुदरत के कहर ने जहां तमाम लोगों के घर क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, वहीं कुपावड़ा में बारिश का सितम जारी है। लोग अपने घर से कुपवाड़वा में आप देख सकते हैं अपने घर से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। वहीं बारामूला की भी तस्वीर आप देखिए जहां तमाम घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और उधमपुर की भी यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जारी विनाश लीला अब जान पर भी बनाई है। जी हां, रामबन में जमीन खिसकने से कई मकान तबाह हो गए हैं, जिसकी चपेट में एक बच्चा भी आ गया है। फिलहाल बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी तलाश में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो रामबन की तस्वीरें देखिए, जमीन खिसकने से बच्चे की तलाश लगातार जारी है। जमीन खिसकने की वजह से तमाम घर तबाह हो गए और इस बीच में एक बच्चा भी गुमशुदा हो गया। उस गुमशुदा हुए बच्चे की तलाश लगातार स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है कि वो मासूम बच्चा जहां कहीं भी हो वो मिल जाए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर यह है कि चलती कार आग का गोला बन गई। दरअसल चलती हुई कार में भीषण आग लग गई और कार सवार महिला की बाल बाल जान बच गई। ये गनीमत रहा कि कार तो खाक हो गई लेकिन उसमें सवार महिला, उसकी जान बच गई है। समय रहते कार से बाहर निकल गई महिला, आग में पूरी तरह से जलकर राख हो गई है कार। कार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी तेज हैं। ये पूरी कार आग की चपेट में आ गई और चलती हुई कार में आग लगी है। फिलहाल इसके अंदर जो महिला थी वो समय रहते कार से कूद गई और जिस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन कार आग में जलकर स्वाहा। तो श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चलती हुई कार में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से कार पूरी तरीके से जल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक कार जल गई थी पूरी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इसमें सवार जो महिला थी उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये तस्वीरें हम आपको श्रीगंगानगर की दिखा रहे हैं जहां कार सवार महिला की जान तो बच गई लेकिन कार नहीं बच पाई क्योंकि वो आग की चपेट में आ गई थी। अब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद जलती हुई कार पर पानी छिड़काव के बाद आग को बुझाया जा सका। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी का चौंकाने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वादा यह किया जा रहा है कि वीडियो में गौतम चौधरी वोटिंग में हिस्सा ना लेने के लिए लोगों को धमका रहे हैं। क्या कुछ सच है देखिए इस रिपोर्ट में।
टीएमसी के धमकीबाज विधायक। हावड़ा के हिंदी भाषियों को सीधी चेतावनी। टीएमसी को वोट दो, नहीं तो कटेगा पानी का कनेक्शन। हावड़ा से आई इस कहानी को समझने से पहले बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो को देख लीजिए। अमित मालवीय का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस विधायक हावड़ा जिले के हिंदी भाषी वोटरों को धमका रहे हैं। 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। दरअसल जिस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर किया है वो उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस विधायक गौतम चौधरी पर लोगों को वोट के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने हावड़ा जिले में हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाते हुए टीएमसी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने 100 लोगों के साथ उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 में सुखी संसार बिल्डिंग के गार्ड और निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। इससे पहले 27 अप्रैल को साकेत होटल के पास उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर अपनी मेहनत की बदौलत बंगाल में बसे हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाया था। ममता बनर्जी को अपने खेमे में इन आपराधिक तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। टीएमसी हावड़ा हार जाएगी और लोगों को बाहर निकलकर वोट डालने से नहीं रोक पाएगी। बीजेपी बंगाल के हर मतदाता के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता उमेश राय ने इस मामले को संदेश खाली कांड के आरोपी शेख शाहजहां से जोड़ दिया। उन्होंने जिस तरीके से कल वहां के हजारों मतदाताओं को धमकी दिया है और कहा है कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि 4 जून के बाद आपके मकान का जल का कनेक्शन कटवा देंगे। ये इतना साहस इनको होता कहां से है? ये अपने आप को उत्तर हावड़ा का शेख शाहजहां बनने की का कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पूरे विषय को लेकर राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को इस पूरे बात की शिकायत किया हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत में वोटरों को धमकाने की कहानी कोई नई नहीं है। पहले भी इसी तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिस्टम के इशारे पर हो रहा है? और इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई नॉर्थ ईस्ट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक पीयूष गोयल पुष्टिपति गणेश मंदिर में दर्शन के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। और इधर बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे। मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि यहां पर प्रमोद महाजन की बेटी 2014-2019 में जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि फेक वीडियो को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। कहा है उन्होंने कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस ने फर्जी जन समर्थन के लिए उनका फेक वीडियो वायरल किया और लोगों के बीच फैलाया। सरकार बनेगी उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा
दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है और एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के लिए अमित शाह के फेक वीडियो मामले में सियासत अब ज्यादा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और सीधा आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो शेयर करके विपक्ष देश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने इस केस में तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए समन भी जारी कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है तो वहीं असम में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। महाराष्ट्र के सतारा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि जब विपक्ष उनसे लड़ नहीं सका तो उसने फेक वीडियो को अपना हथियार बनाया है। वो आप सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके। कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो फैलाकर विपक्ष देश में एक बड़ी अनहोनी की साजिश रच रहा है। सीएनएन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरा। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में एफआईआर हुई। मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। ये मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट छाट की गई है जिससे ऐसा लगा कि वो देश से एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 तारीख को दिल्ली बुला लिया है। मगर कांग्रेस ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई धरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। भड़की हुई कांग्रेस ने भी पार्टी शासित राज्यों में राहुल गांधी के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे डाली। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर एफआईआर करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है तो एफआईआर कर्नाटका में भी होगी, एफआईआर तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। चलिए अनूपगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है ये कि करप्शन पर एसीबी के बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां घड़साना में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बीपीएम को ट्रैप किया है, 10,000 की घूस लेते हुए बीपीएम ट्रैप किया गया है एसीबी के द्वारा। ये बड़ी खबर आपको अनूपगढ़ से बता रहे हैं। तो अनूपगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि करप्शन पर एसीबी ज्यादा नजर बनाए हुए है, पैनी नजर है और हर वक्त एसीबी इस सर्च ऑपरेशन में जुटा रहता है, जहां पर एक बड़ा ऑपरेशन
करते हुए एसीबी ने अनूपगढ़ से बड़ी खबर ये दी कि जहां पर करप्शन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही घरसाना से एक बीपीएम को ट्रैप किया गया है। ये 10,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया है एसीबी ने। इस खबर पर संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, करप्शन पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या जानकारी देंगे? हाँ, देखिए गड़साना का ये ब्लॉक प्रोग्रामिंग मैनेजर है जिसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है और एसीबी के पास सूचना मिली थी कि ये परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने शिकायत के आधार पर पहले शिकायत का सत्यापन कराया और अभी कुछ देर पहले ही इसे 10,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी कौन है और किस परिवाद के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत इस घूसखोर बीपीएम अजय कुमार के द्वारा मांगी जा रही थी, इस चीज की सूचना अभी अपडेट होना बाकी है। लेकिन फिलहाल अनूपगढ़ के गड़साना में श्री गंगानगर एसीबी के द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो 10,000 की घूस के साथ ही ट्रैप किया गया है, एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है अनूपगढ़ में। और ब्रेक ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।